हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ईवीएस के टॉप 15 एमसीक्यूज का, और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी टेट परीक्षा या फिर सुपर टेट या फिर आपका सी टेट परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, उन सभी क्वेश्चनों को आपको स्वयं से भी अटेम्प्ट करना है। फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, यानी कि कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पा रहे हैं, अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बार गुजारिश करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, सो दैट आपका कोई भी सिंगल वीडियो मिस ना हो। चैनल से जुड़ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं कटता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि टुमोरोज बायोडायवर्सिटी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, वंदना शिवा या फिर डॉक्टर जी सी पांडे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जैसा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंदना शिवा। और वंदना शिवा के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये डायरेक्टर है एक रिसर्च फाउंडेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल पॉलिसी की, जो कि देहरादून में है। और फ्रेंड्स, ये जो है ये एक बहुत ही लीडिंग एक्टिविस्ट है, जो कि इन्होंने इन्वायरमेंटल के अगेंस्ट जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। और फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी जो जो बुक्स जो है फ्रेंड्स, इन्होंने जो अभी पब्लिश की है ये भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स आपका वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स, बायोडीजल पौधा क्या होता है, ये जो पौधा होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं रतन जोत। क्या बोलते हैं? रतन जोत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और रतन जोत और इसका जो दूसरा नाम है इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रेंड्स जेट्रोपा। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, बायोडीजल पौधा होता है। और इसका कभी कभी वनस्पतिक नेम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका वनस्पतिक नेम होता है जेट्रोपा कर्कास। क्या होता है? जेट्रोपा कर्कस। कर्कस को स्पेलिंग ये है CURCAS, कर्कस। तो जेट्रोपा कर्कस होता है इसका वनस्पतिक नेम। और फ्रेंड्स, इसका जो जो परसेंटेज होता है, यानी कि जिससे हम तेल निकालते हैं, वो होता है 27 to 40%, यानी कि 27 to 40% इससे हम तेल निकाल लेते हैं, जो कि बायोडीजल के रूप में हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोडायवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं, तो बायोडायवर्सिटी इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आर गिवन, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर सुनीता नारायण, माइक पांडे या फिर टी पुलेया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका बायोडायवर्सिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओ सॉरी सी डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, टी पुलैया। तो यदि पूछा जाए बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, तो हमारे जो आंसर होगा वो होगा टी पुलैया। और यदि पूछा जाए टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक, तो है वंदना शिवा। इनमें हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, एक में है टुमोरोज से स्टार्टिंग है और इसमें बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। तो इस तरह से दोनों को हमें याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों ही जो बुक्स हैं वो हमारी ईवीएस से रिलेटेड बुक है। तो टी पुलैया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देश का सबसे पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत है, यानी कि उनकी मात्रा बतानी है, 2.56, 4.46, 9.50 या फिर 9.18।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेशली क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण या फिर वृक्षावरण बोल सकते हैं, यानी कि उनका प्रतिशत बताना है वनों का या फिर वृक्षावरण का। तो भारतीय वन की जो स्थिति यदि हम देखें 2000 यदि मैं 17 की रिपोर्ट देखता हूँ, तो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रतिशत है वो है फ्रेंड्स 9.18%। क्या है? 9.18%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय? तो फ्रेंड्स ये मुख्यालय है आपका एम्स्टर्डम में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है फ्रेंड्स, एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, संस्था है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम कहाँ पर है? एम्स्टर्डम है फ्रेंड्स नीदरलैंड में। और फ्रेंड्स कभी कभी इसका स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। और इसका जो काम है वो है कि जो हमारी भूमि है, भूमि पर जो उपस्थित जीवन की जो विविधता है यानी कि डायवर्सिटी है, उसको बचाना। यानी कि इस तरह से इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, और श्रेष्ठतर योगदान देने के लिए, यानी कि किस चीज़ के लिए दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान देने के लिए? वनोपरण एवं प्रति भूमि संरक्षण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकों को। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर बी को, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है? एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक उसका रीजन दिया गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, आजकल इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट है प्रवाल भित्तियों को महासागरों का वर्षावन कहा जाता है। और दूसरा इसका रीजन क्या दिया गया है कि वे जैव विविधता से अति संपन्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जैसा कि आप इसमें दिया गया है कि जो महासागर में जो पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियाँ होती है इसके विषय में, यानी कि जो समुद्र के अंदर क्या होते हैं, अस्थि पिंजरों से बनी हुई, कोरल से बनी हुई या फिर चट्टानों से बनी हुई क्या होती है, बहुत सारी क्या है चट्टाने बन जाती हैं समुद्र के अंदर, जिसको प्रवाल भित्तियों भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि महासागरों में पाई जाने वाली जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो प्रचुर देव जैव विविधता को प्रदर्शित करती हैं। और ये किससे बनती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ये चूने से बन सकती है, चूने से मतलब चट्टाने बनती है, कोरल से बन सकती है, या फिर समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों पर विकसित हो जाती है। और इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? उष्णकटिबंधीय सागरों में 45 से 50 मीटर की गहराई पर होता है। कहाँ पर होता है? कभी कभी कितनी गहराई पर होता है? 45 से 50 गहराई पर होता है। और फ्रेंड्स जो विश्व की सबसे बड़ी, कभी कभी पूछ लेता है, विश्व की सबसे बड़ी जो मूंगे की जो चट्टाने हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है, और कभी कभी इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर दिया है फ्रेंड्स वो है कि पहला जो स्टेटमेंट है और दूसरा जो रीजन है ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। यानी कि ए और आर दोनों क्या है? सही है, और मतलब दोनों सही है, और आर जो है यानी कि जो रीजन है वो ए की व्याख्या करता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें भी अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की सही सूचकांक है, और रीजन में दिया गया है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे दिए गए इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो फ्रेंड्स इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो जो हमारा रीजन है आर दोनों क्या है? सही है। लेकिन फ्रेंड्स जो रीजन है
वो क्या है, ए की सही व्याख्या यानी कि सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करूंगा। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1 जुलाई 2001 को। और इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई 2001 को उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होने वाला जो ऑपरेशन ग्रीन योजना, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन बोल सकते हैं, ग्रीन योजना बोल सकते हैं, तो ये उत्तराखंड से अलग होने के बाद, जब उत्तराखंड से अलग हुआ था उत्तर प्रदेश, तो उस समय वृक्षों की कमी होने के को देखते हुए, यानी कि वृक्षों की कमी हो गई थी, तो उसके लिए क्या किया था, एक शुरुआत की गई थी एक योजना की। और इस योजना में सामान्य जनता, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालय, निजी संस्थाएं, सभी ने खुलकर के सहयोग किया था और वृक्षारोपण का कार्य किया गया था। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो किस देश में है, चीन में, इंडिया में, भारत में, या फिर स्विट्जरलैंड में? तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का जो सर्वोत्तम तंत्र है वो किस देश में है? तो फ्रेंड्स वो है अपने देश भारत में। किस में है, अपने देश भारत में। यानी कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां संरक्षित भूमि को कई श्रेणियों में बांटा गया है। और इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि यदि हम एरिया की दृष्टि से देखें, तो संरक्षित भूमि है वो सबसे अधिक है भारत के अंदर, अपने देश भारत के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ग्रेट निकोबार में, नीलगिरी में, मन्नार की खाड़ी में, या फिर नंदा देवी में? तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, तो ये स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया है नीलगिरी में। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है फ्रेंड्स आपका 1986। कौन सा है, 1986। कहाँ पर स्थापित किया गया, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। और दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दंडकारण्य प्रदेश होते क्या हैं। तो दंडकारण्य जो विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ प्रसिद्ध क्या है, ये वन क्षेत्र है एक तरह का। और यहाँ पर वनवास के समय, यानी कि उस समय की बात कही गई है जब श्री रामचंद्र बहुत दिनों तक मतलब रहे थे, यानी कि इन सब वनों में बहुत दिनों का श्री रामचंद्र रहे थे, तो इसलिए इनका नाम क्या है ना, दंडकारण्य प्रदेश बोला गया है। और ये जो है फ्रेंड्स, जो दंडकारण्य है ये पूर्वी भारत का भौतिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और करीब जो इसका जो एरिया है आप देख सकते हैं 9,2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस तरह से इसमें जो दंडकारण्य में आपके आते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, यानी कि किस में स्थित नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया कि आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, और छत्तीसगढ़ में भी है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करूंगा। डूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है, यानी कि लुप्त होने के कगार पर है, तो वो क्या है? स्तनधारी मैमल है, वोनी फिश है, शार्क है, या फिर उभयचर है? उभयचर मतलब जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारी मैमल है। स्तनधारी क्या है, मैमल है। यानी कि डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है और ये क्या है, स्तनधारी मैमल वर्ग में शामिल एक समुद्री जीव है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो देख लेते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, यानी कि कितने वर्षों से वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो तब उसे हम क्या देख सकते हैं, विलुप्त मान सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है 35, 20, 10 या फिर 50। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्ष, यानी कि 50 वर्ष। जब भी कोई प्रजाति अपने आवास में 50 वर्षों से नहीं देखी जाती है तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 15 टॉप मोस्ट MCQs को इस वीडियो में डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल सिद्ध हुआ है तो प्लीज़ सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्त इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स चैनल की प्लेलिस्ट पर हमने सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की गई है, टॉपिक वाइज अपलोड की गई है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी जो कि CTET के हैं, UPTET से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप अपनी कॉमन तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के टेट को दे रहे हों, STET की परीक्षा दे रहे हों, MPTET या HVTET या किसी भी राज्य के टेट की परीक्षा दे रहे हों, सभी के लिए भी वीडियो यूजफुल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।